और हम जो भी पुंज गुरुदेव के सानिध्य में हम एक विशेष पर्युषण मनाने जा रहे हैं। इस पर्युषण को विलक्षण कैसे बनाए, इस पर युवा पीढ़ी लेकर आ रही है एक विशेष चैलेंज, 7 days 7 challenge, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। हमारा पहला चैलेंज है डिजिटल चैलेंज, डिजिटल अनलोड। क्या हम लोडेड फील करते हैं जब बहुत देर हम मोबाइल का यूज करते हैं? क्या हम लोडेड फील तो नहीं करते हैं? जब पासवर्ड्स को ढूंढने के लिए दिमाग में माथे में खुजली चलती है, तब हम डिस्टर्ब तो नहीं होते हैं? या कई बार मोबाइल हैंग होता है, गैजेट डिस्टर्बिंग बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों को हमने मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, अन्य साधनों में इकट्ठा कर दिया। तो आज हम भगवान महावीर का कोर प्रिंसिपल अपरिग्रह, जो साधु का 5वां महाव्रत है, उसको जीवन में लाने के लिए एक पुरुषार्थ और एक अभियान चलाए। आज के दिन को हम कहते हैं खाद्य संयम दिवस, कि भोजन का संयम करें। पर क्या संयम केवल भोजन का होगा? आज का असली फूड हो गया है मोबाइल। आदमी मोबाइल पर कितना समय लगाता है, शायद उतना तो खाने में भी नहीं लगाता है। तो ऐसे में मोबाइल का आज संयम करें, मोबाइल का डिटॉक्स करें और मोबाइल से हम डिजिटल वे में अनलोड करें। यानी हम सबसे पहले आज समय लगाएं, जो भी गैजेट्स आपके पास हैं उसमें देखें कि किसमें अनावश्यक एप्लीकेशंस हैं, अनावश्यक फाइल्स हैं, जो बिना मतलब फिजूल में वहाँ इकट्ठी पड़ी है। क्योंकि वो इकट्ठा होना, अनावश्यक चीज़ें इकट्ठा होना ही परिग्रह है। आवश्यक चीज़ें कोई प्रॉब्लम क्रिएट लाइफ में नहीं करती है। तो हम एक प्रयास करें कि हम अनावश्यक सारी फाइल्स को डिलीट करें और जो डिसमैनेज्ड हैं उनको मैनेज करें, यानी सही फोल्डर में उसको प्लेस करें, जिससे उपयोगी चीज़ आपको तुरंत मिले और अनावश्यक हट जाए। साथ में आज हम मोबाइल संयम, डिजिटल संयम का प्रयोग करें। हम एक संकल्प लेके आज के दिन स्पिरिचुअल इंटरनल पावर को बढ़ाने वाली चीज़ों के सिवाय कोई भी चीज़ हम आज डिजिटल पर नहीं करेंगे। आज हम मूवी नहीं देखेंगे, आज हम एक वेब सीरीज नहीं देखेंगे, आज हम गेम्स नहीं खेलेंगे। किसी तरह से डिजिटल एक्टिविटी से हम कितना ज़्यादा अपने आप को बचा सकते हैं। आवश्यक चीज़ें होने वाली है, पर हम अनावश्यक का त्याग करके आज का एक दिन अपने आप में डिजिटल संयम का दिन बनाएं, अपने आप को अनलोड करें। और आगे के क्रम में हम अगले अनलोड चैलेंज से जुड़े, उससे पूर्व कहा जा रहा है कि आप जरूर रूप से ये लिखें कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, और कंप्लीट करने पर लिखें कि चैलेंज कंप्लीटेड, चैलेंज अकम्प्लिश्ड, चैलेंज पूर्ण हुआ। ओम अरहम।